आप ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, कौन से कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते थे? मैं कोचिंग सेंटर में तक्षशिला लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आज जिस तरह से आपकी तक्षशिला लाइब्रेरी को जो सील किया गया, तो आपके कितने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अंदर रह चुके हैं या फिर हमारे काफ़ी स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो भी हैं, डिवाइसेस वगैरह हैं, वो अंदर रह गई हुई हैं। और काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है वो हुआ है, हमें बिल्कुल भी बुक्स निकालने का मौका नहीं मिला। तो अभी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, अभी 10 को वो है आरआरबी का एग्ज़ाम है, 25 को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इवन काफ़ी बच्चों का मेंस का एग्ज़ाम भी है यूपीएससी का। कितने बच्चे जो हैं तक्षशिला में पढ़ते थे, मतलब जैसे स्टडी करते थे, कितने बच्चे? मोर देन 50-60। भैया और कितने स्टूडेंट्स जो है इससे सफ़र हो रहे हैं और जिस तरह से आज इवन हम तो हो रहे हैं, इवन कि मैक्सिमम जितनी भी लाइब्रेरी है सभी के बच्चे, सभी बच्चे हो रहे हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, इवन कि ऊपर से टाइम बिल्कुल नहीं दिया हमें निकालने का, अभी एग्ज़ाम है, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम कैसे निकालेंगे बुक्स वगैरह? आपको नोटिस वगैरह दिया गया था इससे पहले कि आज सील की जाए? नहीं, बिल्कुल ही ऑल ऑफ द सडन हुआ ये सब चीज़ें। तो जिस तरह से दिल्ली में जो है तीन बच्चे इसी तरह के बेसमेंट में पढ़ रहे थे और पानी भर जाने के कारण उनकी जो है वो डेथ हो गई, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये बेसमेंट बनाए गए हैं तो ये जो है वो रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये जो कार्रवाई की गई है सही तरीके से की गई या गलत की गई? देखिए मैं बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो एक्शन लेना चाहिए, बट ऐसा ये ना होना कि बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। क्या चाहते हैं कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिए? हाँ, एटलीस्ट नोटिस देना चाहिए उनको, अपना क्लैरिफाई करने का भी मौका देना चाहिए, ऑल ऑफ द सडन ऐसे बंद नहीं करना चाहिए। कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? मैं तक्षशिला लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। कितने बजे सील हुई थी आपकी लाइब्रेरी? नियर अबाउट 3:30-4 बजे के करीब हुई थी शायद, मैंने टाइम नहीं देखा।